एयरटेल टावर के गार्ड पर अज्ञात लोगों ने चलाई गोली, 5 लोगों की हुई गिरफ्तारी। एयरटेल टावर के वॉचमैन का था पड़ोसी के साथ अवैध संबंध। प्रेमिका के पति और पुत्र ने हत्या के लिए शूटर किया था हायर। देखिए पूरी रिपोर्ट। कटिहार में चली थी गोली, आज हो गया खुलासा। नमस्कार, मैं आमिर इस्तकबाल करता हूं केटीएन न्यूज में। बता दें कि एयरटेल टावर के वॉचमैन के पड़ोसी के साथ था अवैध संबंध, जिसको लेकर प्रेमिका के पति और पुत्र के द्वारा उसकी हत्या की कराई गई थी साजिश, जिसके बाद अपराधियों के द्वारा चलाई गई थी गोली, चल रहा था इलाज। इसका पूरा खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार का अपने कार्यालय कक्ष में क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सीधे लिए चलते हैं और सुनाते हैं। कल 22 सितंबर की रात्रि को कोढ़ा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति के गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर त्वरित गति से थानाध्यक्ष पीओ पर वहां पर पहुंचते हैं और उस व्यक्ति को जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से जो प्रथम उपचार होता है उसके बाद जो है उसको हायर सेंटर लेकर जाते हैं। ये जब जांच हुई तो ये पता चला कि ये व्यक्ति जो है वहाँ का एयरटेल टावर है उसमें ये कई वर्षों से वहाँ पर रहते थे, गार्ड के रूप में काम करते थे। इसकी पूरी की पूरी जो अनुसंधान है, केस का डिटेक्शन है, मैंने एसडीपीओ सदर को दिया जिम्मेदारी। ये खुद गए और थानाध्यक्ष और जो वहाँ की टीम है इन लोगों ने महज 3 घंटे के अंदर ही पूरे केस को डिटेक्ट कर लिया और रात्रि में ही जो अपराधी थे कुल 5 अपराधी पकड़े गए। 2 जो है हमारे पास देसी यहाँ कट्टा जो है आप देख सकते हैं, 5 जिंदा कारतूस है, 5 मोबाइल है, 1 जो चाकू जिसको डैगर बोलते हैं वो है। घटना ये है, पिछले करीब 10 वर्ष से यहाँ रह रहे हैं, इनका घर खगड़िया है और यहाँ पर ये किसी महिला के साथ जो है इंटेंगल हो जाते हैं और उसी अवैध संबंध में महिला के जो पति हैं और जो महिला के जो पुत्र हैं उन लोगों ने एक शूटर को हायर किया है और वो शूटर जो है वो रंगरा का है। 40,000 रुपये में डील होती है और वो कल जो है, ये कई दिनों से प्लानिंग हो रही थी और कल जो है इन लोगों ने घटना को अंजाम दिया। इसमें कुल 5 लोग जो है पकड़े गए हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। ये पूरा का पूरा केस जो है डिटेक्ट हो गया है और ये काफ़ी अच्छा केस है, इसको हम लोग स्पीडी ट्रायल में डालेंगे और जो हमारी टीम है उसने बहुत अच्छा काम किया है, ये सभी बधाई के पात्र हैं। और बता दूं आपको कि जो सोनू रंगड़ा ओपी का जो है ये बहुत शातिर क्रिमिनल है, प्रोफेशनल ये शूटर तो है ही, ये लुटेरा भी है, ये कई केसेस में जेल जा चुका है। अभी हम लोग इसका आपराधिक इतिहास खंगाल रहे हैं और आपको याद होगा एक हमारा लूट का केस था जो अभी अनडिटेक्टेड था पिछले महीने का, जो 1,00,000 रुपया जो है पिकअप से जो जा रहा था उसे छीना था, वो इसी ने किया है और इसको जो स्वीकार भी किया है। इसके साथ जो है एक इसका जो दोस्त है राहुल कुमार पासवान वो था और इसने था, तो ये बहुत शातिर अपराधी है, एक बड़ी उपलब्धि है।